नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं उस दुकान के पास जहाँ पे ना पिछले दिनों ना चोरी हुई थी। कुछ गुरखाधारी औरतों ने इस दुकान से मतलब सामान वगैरह की चोरी की थी। वो दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद, आइए जानते हैं उनसे। भाई, ये चोरी कब हुई थी आपके यहाँ पे दुकान के अंदर? ये 18 नवम्बर को चोरी हुई थी दोपहर में 2:45 पे। तो यहाँ पे लटक में जब डिस्प्ले में इधर लगाए जाते हैं तो कस्टमर में लोग आते हैं और चोरी कर लेते हैं, और हमेशा इधर चोरी होते रहती है। किसी का पर्स, किसी का पैसा वैसा निकाल के चले जाते हैं। मतलब आपका कहने का ये कि यहाँ पे चोरी की वारदात अक्सर होते रहती है। अच्छा, इधर आती ना होते किसी का पर्स, किसी का क्या वैसा, वो चोरी होते रहते। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवक आयुब खान, आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी गर्दी रहती है शाम के समय और बहुत ही पब्लिक होती है, और काफ़ी लोगों को देखा गया है कि बुरके की आड़ में लोग CCTV होने के बावजूद भी ग्रुप बनाकर आते हैं। एक लेडीज उनको कपड़ा देती है, दूसरी लेडीज बुरके की आड़ में रख देती है, और महिला होने के कारण दुकानदार उनसे सख्ती का व्यवहार भी नहीं कर सकते। काफी देखा गया है कि एक ही दुकान नहीं, इधर अक्सर हर दुकानों में चोरी हुई। अभी हाल ही में कोई घड़ी की दुकान में चोरी हुई, और जिसका काफी हजारों का सामान चोरी हुआ है। ये वारदातों को रोकने के लिए पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। तो आप पुलिस प्रशासन से मतलब क्या मांग करते हैं इन चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए? देखिए, मैं मुमरा पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर डीपी के ऑफिसरों का होना बहुत ही जरूरी है। उनको पेट्रोलिंग करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे चोरी की वारदात अक्सर देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे भी किसी का मोबाइल छीनकर भागते हैं यहाँ से, और औरतें तो लोगों के जो बड़े बड़े बैग है वो भी लेके गए है। ऐसे CCTV में हमने देखा है और उसको चलाया भी है। 20 तारीख के रोज मेरे अपने सगे भाई का मोबाइल ऊपर की जेब से चोरी हुआ है, जिसकी हम लोगों ने मामले की लिखित तहरीरी शिकायत की है। अब देखना यह है कि मुमरा पुलिस स्टेशन इन चोरों को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। भाई साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि कुछ बुरखाधारी औरतें जो बुरखे की आड़ में चोरी करती है, कहीं ना कहीं वो बुरखे को बदनाम करके इस्लाम धर्म के ऊपर मतलब वो होता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या मतलब ये सब बुरखे की आड़ में जो भी करता है उनको ऐसा करना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बुरखा जो मुसलमानों का एक लिबास है, अगर वो बुरखे में है तो मुसलमान हो ऐसा कोई भी शक्यता नहीं होती है। क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो? बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान कभी भी चोरी नहीं करेगा, मुसलमान कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। इसकी आड़ में हाँ, जब उन्होंने सोचा है कि चोरी ही करना है तो चाहे वो कोई भी धर्म का हो, बुरखे की आड़ ले सकता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने दुकान के मालिक से और यहाँ के समाज सेवक आयुब खान से इस चोरी की जो वारदात हुई थी इस दुकान में उसके बारे में तफसील से बातचीत की, और हमारे जिसमें आयुब खान ने पुलिस प्रशासन से ये मांग की कि उनको यहाँ पे ना पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए और यहाँ पे सुरक्षा के चौकस इंतजाम करने चाहिए। कैमरामैन नसीम हाशमी के साथ मैं मोइन शेख, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।